just the grass. Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty Analysis from TradingFab.in. आज एक बोरिंग फेज देखने को मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में. एक साइडवेज पैटर्न के साथ निफ्टी इंडेक्स आज एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहा था. वीकली एक्सपायरी थी तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,158 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,029. तो ये आज 5 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था. काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुआ ब्रेकआउट लेवल. एग्जैक्ट इसी के पास निफ्टी इंडेक्स काफ़ी देर पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लेवल के पास. और लास्ट आर जब बचा था तभी इसको ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया और इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया 15,181. ये अचीव हुआ और इसी के पास ये क्लोज भी हुआ. तो प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था. 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 9,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं. ये 60 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. निफ्टी इंडेक्स अभी भी आर्ली चार्ट में 20 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है. तो कल अगर ओपन होता है निफ्टी इंडेक्स और ऑल टाइम हाईज यानी कि हाईएस्ट क्लोजिंग अब तक का ऊपर का 15,242 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,262. ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,285. ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा. और अगर निफ्टी टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो हमारा जो आज ब्रेकआउट लेवल बन रहा था उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर ये लास्ट हाफ एन आवर का कैंडल जो बना है इसका लो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस फेस किया था निफ्टी इंडेक्स ने कुछ दिनों पहले. तो 15,144 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं कल. और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,121. ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 15,097. ये हमारा सेकंड टारगेट होगा. तो ये है निफ्टी के लिए कल के इंट्राडे लेवल्स. बैंक निफ्टी के लिए क्या होंगे? बैंक निफ्टी में भी अगर ये 5 मिनट का आज का चार्ट देखे तो काफ़ी एक्यूरेट ब्रेकआउट लेवल भी साबित हुआ. 36,000 के पास एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया था. इसी लेवल के बीच में ये ट्रेड कर रहा था. तो बैंक निफ्टी में एज पर प्री मार्केट ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी. डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं. डेली चार्ट को अगर हम देखें तो साफ तौर पर नज़र आएगा यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है. ये जो लेवल है इसी के अंदर ये क्लोज हो रहा है. लगातार 4 दिन हो चुके हैं अभी तक इस कैंडल को इसने ब्रेक नहीं किया है, ना ही हाई ब्रेक किया है ना ही लो ब्रेक किया है. तो एक साइडवेज मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है. कल हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है तो हो सकता है हमें एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिले. तो कल के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं? ये सेम जो आज होंगी 36,000 का हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा और फर्स्ट टारगेट होगा 36,115 और सेकेंड टारगेट होगा 36,229. और ब्रेकडाउन लेवल भी सेम होगा 35,423 और फर्स्ट टारगेट होगा 35,330, सेकेंड टारगेट होगा 35,216. तो ये बैंक निफ्टी के लिए सेम लेवल्स होंगे कल के लिए भी. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना. और जो हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. वहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं लाइव मार्केट में, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग.